तो इस केस में आपको करना क्या है, ये प्रॉब्लम जो है एसी अडेप्टर नॉन, ये हमें इंडिकेट करता है कि सर्किट में हमारे पीएसआईडी का एक सर्किट होता है लैपटॉप के अंदर, स्पेशली डेल लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट काम करके देखना चाहिए। फर्स्ट आप चार्जर ज़रूर चेंज करके देख लेंगे, कई बार डीसी जैक की वजह से भी ये होता है, अदरवाइज़ आप पीएसआईडी सर्किट पे जाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लैपटॉप को मैं करूँगा शट डाउन, ठीक है, और शट डाउन करके बोर्ड को मैं बाहर निकाल लूँगा। मैंने यहाँ पर बोर्ड निकाल लिया है, आपको डायरेक्ट जैसे मैं डीसी कनेक्ट करता हूँ डीसी मार्क करेंगे, बोर्ड हमारा ऑटो ऑन हो जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पीएसआईडी का जो सर्किट है, पीएसआईडी का सर्किट डीसी जैक से स्टार्ट होता है, डीसी जैक में पीएसआईडी का जो पिन है वो कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रेड के बाद जो यहाँ पर है ये हमारा पीएसआईडी का पिन है, जिसके ऊपर 1.1 वोल्ट नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं पिन पे 1.1 वोल्ट, मैंने जहाँ टच किया है 1.1 वोल्ट है, ठीक है, ये बीच वाली पिन आईडी है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट होना चाहिए। ओके, तो पीएसआईडी की तरफ, पीएसआईडी का जो सर्किट है वो यहाँ पर है, PQ1 PD1 PQ2, ये हमारा PSID का सर्किट है, जिसमें से PQ1 जो है वो PSID MOSFET है, PD1 प्रोटेक्शन डायोड है और PQ2 ट्रांजिस्टर है। PSID के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो PQ1 जो PSID का MOSFET है उसके सोर्स और ड्रेन पे 3.3 वोल्ट होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, तो इसका जो ड्रेन है मतलब सोर्स है वहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट है ड्रेन पर और गेट पर 5 वोल्ट है, तो गेट पर तो सही है बट इधर भी सोर्स और ड्रेन के ऊपर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर होना कितना चाहिए 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट कहाँ से आता है, तो एक पुल अप रेजिस्टर से आता है। देखो मैं अभी इस केस लिए, इस केस में डायग्राम ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये केस को रिपेयर करने के लिए डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। मैं आपको ड्राइंग की मदद से समझा देता हूँ कि पीएसआईडी का सर्किट किस तरीके से काम करता है, सिंपल है। मेरे पास पीएसआईडी का कंप्लीट सेटअप मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा डीसी जैक है, डीसी जैक में ये हमारा पीएसआईडी वाला पिन होता है, पीएसआईडी पिन से हमारा ये एक एल होता है मतलब क्वाइल होता है, और यहाँ से हमारा एक मॉस्फेट लगा होता है। ओके, ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट है, ये हमारा कनेक्टेड कहाँ से होता है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये इसका ड्रेन है, ये इसका सोर्स है, ये इसका गेट है। इसका जो गेट कंट्रोल है वो एक 10 किलो ओम रेजिस्टर के साथ 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड होता है, इसका जो सोर्स है यहाँ पर 33 ओम, और ये हमारा डायरेक्ट आयो कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है। इस पाथ पे जो वोल्टेज आता है वो एक पुल अप रजिस्टर की मदद से आती है, 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट, इस रजिस्टर की वैल्यू 2.2 किलो होती है। ये सारी जो वैल्यू है ये फिक्स है, ठीक है, इनके बीच में अक्सर क्या होता है, यहाँ पर एक डायोड लगा होता है जो कि एक प्रोटेक्शन डायोड है, इस तरीके से ये इसका पॉइंट ग्राउंड होता है, ये हमारा 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पीएसआईडी लाइन से कनेक्टेड है। इसमें एक और कंपोनेंट होता है, वो होता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर, वोल्टेज डिवाइडर के साथ यहाँ एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होता है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, जो कि गेट कंट्रोल करता है, इसका एक लेग ग्राउंड है और ये हमारे गेट के साथ। तो ये एक पीएसआईडी का सर्किट है जो एक नॉर्मली मैंने बना के दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो सोर्स है यहाँ पर 1.5 वोल्ट है और यहाँ पर 1.5 वोल्ट है। ओके, हमें मिलना कितना चाहिए था 3 वोल्ट, और वो 3 वोल्ट आएगा कहाँ से, वो इस रजिस्टर से आएगा। तो मुझे क्या चेक करना चाहिए, क्या इस पाथ पे आने वाला वोल्टेज 3.3 वोल्ट जो 2.2 किलो ओम रजिस्टर से होकर आएगा, क्या यहाँ पर बन रहा है।
अगर यहाँ बनेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम इस पाथ में कहीं पर है, लेकिन अगर यहीं पर वोल्टेज गलत बनेगा तो इस सर्किट का कोई भी गलती नहीं है। तो हमें 2.2 किलो ओम रेजिस्टर को ढूंढ के उसके एक साइड में 3.3 वोल्ट चेक करना है। देन हम आगे इसके अंदर समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से। तो मैं 2.2 किलो ओम का जो रेजिस्टर है उसको फाइंड आउट करता हूँ, जो रेजिस्टर मुझे यहीं पर मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स है, ये मॉस्फेट हो गया, ये डायोड हो गया और ये ट्रांजिस्टर हो गया जो मैंने बनाया। यहाँ पर रजिस्टर काउंट कर सकते हैं, सारे रजिस्टर हैं। मेरे को 2.2 किलो ओम के रजिस्टर को ढूंढना है, तो मैं मल्टीमीटर को आपके पास ही रख देता हूँ ओम रेंज पे करके। ठीक है, ओम रेंज पर है ये, अभी सेलेक्टेड है, देख सकते हैं डायोड पे है। इसको मैं ओम पे कर देता हूँ 20 किलो पे। ठीक है, अभी 20 किलो पे सेट है। मैं 2.2 किलो ओम ढूंढता हूँ, तो यहाँ पर ये 0 ओम का है, 0 का तो नहीं होना चाहिए कोई भी। चलो देख लेते हैं पहले थोड़ा सा इसको, 30 किलो है ना ये, अच्छा सॉरी बोर्ड चालू है, बोर्ड बंद कर देता हूँ। 2.2 किलो आप देख सकते हैं, पहला वाला रजिस्टर ही 2.2 किलो ओम है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है वो कितना है, वो बहुत कम दिखा रहा है, 33 ओम होना चाहिए। आगे ये 15 किलो, ये ट्रांजिस्टर के लिए लगा हुआ है, और यहाँ पर जो ये दिखा रहा है ये 33 ओम होगा, ये 33 ओम देख सकते हैं, 33 ओम। पहला सबसे ऊपर जो है ये 2.2, उसके बाद है 33 ओम। तो मैं सिंपल है 2.2 किलो ओम रजिस्टर को चेक करूँगा कि आप वोल्टेज आ रहा है वहाँ पर, तो आप मल्टीमीटर में भी चेक करेंगे और यहाँ पर भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं सेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.2 किलो ओम के रजिस्टर की तरफ मैं टच कर रहा हूँ 1.5 वोल्ट, और जो दूसरी साइड है वहाँ पर कितना वोल्ट है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट है। आप देख सकते हैं पुल अप रजिस्टर जो है एक साइड में 3.3 वोल्ट है और दूसरी साइड में 1.5 वोल्ट है। इसी वजह से मेरे लैपटॉप में अडेप्टर अननोन का मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ 3.3 वोल्ट नहीं है। अब किस वजह से नहीं है, तो देखिए थ्योरेटिकल अगर हम करने जाएंगे तो भी सोल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज जल्दी करना चाहेंगे तब भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3.3 वोल्ट है बट यहाँ पर नहीं है, तो इस केस में कौन ख़राब हो सकता है। ये रजिस्टर की वैल्यू हमने चेक करी 2.2 किलो ओम है, ख़राब नहीं है, 33 ओम को भी चेक करें और ये भी ख़राब नहीं है, तो क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, ये जो डायोड है अक्सर सर्किट के अंदर प्रोटेक्शन डायोड ख़राब हो जाता है, तो मैं इस डायोड को एक बार रिमूव करूँगा। ठीक है, इस डायोड को रिमूव करूँगा और चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। हमें क्या डायोड हटाना था, ये डायोड हटाते हैं हम, PD1। ये देखो ये डायोड मैंने निकाला, इसका जो एक पिन है वो यहीं पे रह गया, मतलब ये डायोड शायद ख़राब था क्या था, या फिर क्योंकि SMD तो सिंपल ही मैंने निकाला है, इसमें एक प्रिंट जो है वो बोर्ड पे रह गया। कोई बात नहीं, अभी हम पावर कनेक्ट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो दूर से देखेंगे, बोर्ड ऑन है और अभी मैं रजिस्टर के पास ही वोल्टेज टच कर रहा हूँ। अभी देख सकते हैं रजिस्टर के एक साइड में 3.3 वोल्ट और दूसरी साइड भी 3.3 वोल्ट, और ये मॉस्फेट है, इस मॉस्फेट के दोनों तरफ 3.32 और इधर भी 3.32। हमने चेक किया था DC कनेक्टर पे, वहाँ पर भी हम चेक कर लें, ये हमारा PSID वाला पिन था बीच में, यहाँ 1.5 आ रहा था, अब 3.3 वोल्ट आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या थी, डायोड प्रोटेक्शन डायोड वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा था, सिंपल। तो PSID
सोल्यूशन के लिए हमें कोई डायग्राम या किसी चीज़ की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएसआईडी में जो कंपोनेंट होते हैं वो हर डेल के बोर्ड में परमानेंट फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। नाम भी जो होता है सेम होता है, सर्किट भी सेम होता है, रजिस्टर की वैल्यू भी सेम होती है। इसलिए मैं डायग्राम पे नहीं किया, आपको कॉपी पे ड्राइंग करके बता दिया। अब इसको हम डिस्प्ले पे चेक करते हैं कि पहले जहाँ पे अननोन लिखा आ रहा था, क्या अभी वहाँ पर अडेप्टर की जो वॉटेज है वो डिटेक्ट हुई या नहीं हुई। तो मैं इसको पैक करके आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लैपटॉप को पैक कर दिया है, आप डीसी मशीन देख सकते हैं, रिस्टार्ट हो रहा है अभी। डेल के अंदर 2 से 3 बार रिस्टार्ट होगा, उसके बाद ही डिस्प्ले आएगा। तो हम चेक करते हैं कि अननोन का मैसेज अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। F2 से हम बायस के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम बैटरी वाले ऑप्शन में, जहाँ पर पहले एसी अडेप्टर 90 वॉट अभी लिखा आ रहा है, पहले एसी अडेप्टर अननोन लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो कभी भी अगर डेल में अननोन लिखा आ रहा है तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि किस सर्किट में आपको काम करना है। अभी 0-0 है क्योंकि अभी मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई है, आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई है। तो अभी बैटरी में लगाऊंगा तो चार्ज हो जाएगा, मेन जो है वो 90 वॉट वहाँ पर लिखा हुआ आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।